भागलपुर पुलिस ने शनिवार को नाथनगर थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल तीन अपराधी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गुरुवार को सिटी एसपी राज ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्याकांड के उद्भेदन की जानकारी दी। सिटी एसपी राज ने बताया कि ललमटिया थाना क्षेत्र के पासी टोला निवासी नीरज कुमार चौधरी की हत्या में चार लोग शामिल थे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसके बाद टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने महज 24 घंटे के अंदर तीन अपराधी को दबोच लिया। एसपी ने बताया कि जमीन से संबंधित पैसे के लेन देन को लेकर नीरज की धारदार हथियार से बांध पर ले जाकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि घटना के सफल उद्भेदन में शामिल पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। कल नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 15 जून को सुबह 8 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि एक जखवावा बांध के पास नीरज कुमार चौधरी का शव, गला काटा हुआ शव प्राप्त हुआ है। इस संबंध में एसएसपी सर के द्वारा निर्देशित करते हुए टीम गठित किया गया और इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर एफएसए की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ अनुसंधान प्रारंभ किया गया और डीआईयू की टीम के साथ अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस पूरे टीम में थानाध्यक्ष नाथनगर राजीव रंजन, थानाध्यक्ष ललमटिया राजीव रंजन और डीआईयू की टीम एसडीपीओ नाथनगर के निर्देशन में कार्य कर रही थी। इसमें जो अभी तक गिरफ्तारी हम लोग की हैं, कुल चार अभियुक्त की संलिप्तता इसमें प्रकाश में आया है, जिसमें से मुख्य तीन अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें सूरज कुमार पिता योगेंद्र चौधरी, विकास चौधरी पिता नंद किशोर चौधरी, दिलीप चौधरी पिता कैलाश चौधरी, तीनों पासी टोला थाना लालमटिया के रहने वाले हैं। जो घटना का कारण यह निकल के आया है पूछताछ में, इसमें जमीन संबंधित मामला में कुल 8 रुपये लेकर पैसे को हड़पने के नियत से मृतक की हत्या की गई है। इसमें जो चौथा अभियुक्त है वो फरार है, उसके लिए छापेमारी की जा रही है, उसको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। इस घटना का उद्भेदन, सफल उद्भेदन तथा गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर कर लिया गया, इसलिए एसएसपी सर के द्वारा और अन्य बड़े पदाधिकारी के भी द्वारा इस पूरे टीम को पुरस्कृत किया जाएगा तत्काल कार्रवाई करने के लिए। बरामदगी क्या क्या हुई है सर? अभी घटनास्थल से हम लोगों ने जो अभियुक्त का जो कपड़ा भी जो है हम लोग बरामद किए हैं तथा स्वीकृति बयान भी है और तकनीकी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है और इन लोगों द्वारा जो स्वीकृति बयान इनके मोबाइल में भी साक्ष्य उपलब्ध है, जिससे ये पूरा घटना सफल उद्भेदन किया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। रविवार को गंगा दशहरा के अवसर पर बिहार और झारखंड के हजारों श्रद्धालुओं ने भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैवीनाथ धाम उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाई। मान्यता है कि इस दिन मां गंगा का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। वहीं घाट पर विशेष रूप से महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जो मां गंगा को आम का फल फूल चढ़ाकर सुख शांति और सारे कष्टों के निवारण की कामना कर रही थी। वहीं सुल्तानगंज नगर परिषद द्वारा भारी भीड़ को देखते हुए गंगा घाट पर नाव और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी, जबकि अंचल अधिकारी रवि कुमार के निर्देश पर गंगा घाट पर एसडीआरएफ टीम को तैनात किया गया था। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहाँ से आए हैं? गंगा दशहरा को लेकर कैसा उत्साह है? बहुत खुशी मिल रही है सबको, हम लोग नहाए, सब मिलके पूजा वूजा किए, आम चढ़ता है, फल चढ़ता है, बस यही जीवन में सुख शांति को लेकर। हाँ, जीवन में सुख शांति के बस पूजा कर। भागलपुर औद्योगिक थाना पुलिस की मदद से कुछ दबंगलों किसान की जमीन पर अपना कब्जा जमा रहे हैं और उसकी फसल को पुलिस के सामने ही लूट रहे हैं। दरअसल बरारी निवासी किसान गणेश यादव ने बताया कि विक्रमशिला सेतु के समीप उनकी 70 बीघा रैयती जमीन है, जिसके सारे दस्तावेज उनके पास हैं। गणेश यादव ने बताया कि दबंगों की शिकायत लेकर जब वो औद्योगिक थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह के पास गए तो थानाध्यक्ष ने आरोपियों से सांठ गांठ कर उनकी ही पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित किसान ने घटना की जानकारी एसएसपी डीआईजी और मुख्यमंत्री से की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। गणेश यादव ने बताया कि पुलिस ने उन्हें अपने ही जमीन पर जाने से रोक दिया है और खेत में लगाई गई फसलों को पुलिस की मदद से अपराधी लूट रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस उसे अपने ही जमीन पर जाने के लिए
पैसे मांग रही है और नहीं देने पर आरोपियों को सपोर्ट कर रही है। गणेश यादव ने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह अपने परिवार के साथ डीएम कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठ जाएंगे। गणेश यादव ने भागलपुर एसपी से मामले में संज्ञान लेकर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने और उन्हें अपनी जमीन वापस दिलाने की मांग की है। परेशानी है आपको? मामला है थाना प्रभारी पूरा जो है प्रदीप मंडल के तरह झुका हुआ है। हम लोग वो लूटता है, हम लोग अगर थाना जाते हैं तो मेरा एप्लीकेशन नहीं लेता है, कहता है जो पैसा देगा 5 लाख उसी का फसल होगा। इसीलिए अजीर प्रदीप मंडल पूरा जो है थाना प्रभारी इस पर झुका हुआ है और वह जो है पैसा मांगता। हम लोग गरीब जब फसल लगाएं तो पैसा हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग अजीर खुद जो है घर बंधक धकर करके जो है जमीन फसल लगवाएं और ये जो है प्रदीप मंडल जो है दरगाह के संरक्षण में रह करके पूरा फसल को एकदम काट लिया। क्योंकि मुखिया जी भी गए, मुखिया जी भी देखा कि जो फसल का फोटो लिया उसका भी सब फसल काट लिया। इतना बरियारी कि इसका कोई हद नहीं है। इसमें तीन चार को बदमाश से मिला जुला रह रहा है, लोग बदमाश मिलकर करके हम लोग को जो है परेशान किया जा रहा है किसान को, और मार भी हम लोग को मार। वहाँ जाने के बाद में कहा कि मारा हम लोग को तीन चार आदमी को और कहा कि यहाँ से भागो, यहाँ प्रशासन है, तुम क्या करोगे, फसल का सारा रिस्क सामलेंगे। इसलिए जो हम लोग खेत पर भी जाना बंद कर दिया और हमारा सारा फसल लुटा दिया। खेत किसका है? मेरा खेत है जो हम बुने हैं उसमें। कितना खेत है आपको? खेत हजूर करीब करीब हमारा है 50 बीघा एक प्लॉट है, 9 बीघा एक प्लॉट है, 2.5 बीघा का एक प्लॉट है, 3 प्लॉट है हमारा जी। तो सब आपके कब्जे में न है? जी कब्जे में है, लेकिन ये बदमाश लोग प्रदीप मंडल से इस साल हमारा सब चरा दिया, नहीं तो अगले साल हम लोग फसल उठा लिए थे हजूर 3 साल से। कौन है प्रदीप मंडल? प्रदीप मंडल एक अजीब बहुत बड़ा गैंगस्टर है अजूरी बरारी का। इसका बाप भी गैंगस्टर था और उसके बाद बाप मरने के बाद ये गैंगस्टर हाथ में लिया। 4-5 गांव का बदमाश ला करके राघोपुर इधर आपका जगतपुर और इंग्लिश 3-4 गांव का बदमाश ला करके भैंस लेकर के जमे हुआ है और सब फसल वही लोग लूट रहा है। भैंसवार है नहीं बल्कि भैंसवार के नाम से वो लोग सब सारा बदमाश है। कई बार पुलिस लपेटा भी लेकिन फिर भी जो है उसको मानता नहीं है। तो प्रदीप मंडल का जमीन नहीं है वो? प्रदीप मंडल का जमीन है, हम लोग से बहुत दूर है, लेकिन वो जो जहाँ पर है जहाँ पर भैंस चला रहा जहाँ पर लूटा वो जमीन प्रदीप मंडल का नहीं है। हम लोग ने जो है एप्लीकेशन दे करके सरकार से जो है सीओ से नापी करवाए, एक बार ने पहले भी प्राइवेट जमीन से किए और सरकारी जमीन से भी करवाए, लेकिन ये वैल्यू नहीं देता है। हम लोग बुनते हैं और जैसे अभी नापी हुआ उसका किला खुटा सब उखाड़ करके फेंक दिया। थाना गए तो थाना कौन? थाना पर जाता कहता है कि 5 लाख रुपया दो तब तुम्हारा फसल कटेगा, नहीं जो देगा 5 लाख उसका फसल। कौन थाना पड़ता है आपका जी? कौन थाना? हम लोग का उधर ही थाना पड़ता है, औद्योगिक थाना जी। भागलपुर पोस्ट ऑफिस के सामने रविवार को मल्टी ब्रांड स्टोर सागर टेलीकॉम का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन भागलपुर नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, शहर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह, सागर टेलीकॉम के प्रोप्राइटर कमलेश कुमार सिंह और अन्य आगत अतिथियों ने फीता काट कर किया। डॉक्टर प्रीति शेखर ने बताया कि अब भागलपुर वासियों को एक ही छत के नीचे मोबाइल, लैपटॉप और होम अप्लायंसेस के सभी सामान उपलब्ध होंगे। वहीं प्रोप्राइटर कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि सागर टेलीकॉम ने शहर वासियों के विश्वास पर खरा उतरने का काम किया है, जिसके कारण आज उनका भागलपुर शहर में 10वां स्टोर का शुभारंभ हुआ है। उद्घाटन से पूर्व शोरूम में पूजा अर्चना की गई, मौके पर मैक्सी सागर समेत कई लोग मौजूद रहे। भागलपुर के बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने आज यहां पर सागर टेलीकॉम इनके नए ब्रांच का शुभारंभ हुआ है और मैं इसके संचालक कमलेश जी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं कि भागलपुर स्मार्ट सिटी की एक स्मार्ट परिकल्पना के साथ नित नए एक अवसर और कह सकते हैं कि नए कलेवर के साथ भागलपुर में नए नए प्रतिष्ठान खुल रहे हैं। इसमें मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन के साथ साथ यहाँ पर विभिन्न उत्पाद जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद होते हैं टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, ये सारे चीज़ों की बिक्री यहाँ पर होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलेश जी एवं उनके पूरे परिवार ने, उनके पूरे ग्रुप ने यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन सेवा प्रदान किया है, लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है और इन्होंने अपने ईमानदारी और लगन से अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया है, जिसके माध्यम से वो
जन लोगों के लिए अच्छे अच्छे उत्पादों को लेकर आते हैं। तो ये सागर टेलीकॉम की एक नई ब्रांच है जो कि सारा ब्रांड के साथ में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सारे ही होम अप्लायंसेस, सारे स्मॉल अप्लायंसेस उपलब्ध होंगे यहाँ पर। और ये हमारा 10वां शोरूम है जो कि पूरे भागलपुर में सभी कस्टमर्स को सेवा दे रहा है। सबका बहुत भरोसा है हमारे ऊपर, सबका तहे दिल से धन्यवाद है। और हम ग्राहकों को विशेष क्या देने जा रहे हैं ये बताइए आप। ग्राहकों के लिए हम लोग बेहतर सर्विस तो देते ही हैं, साथ में उपहार है ग्राहकों के लिए, हर एक मतलब प्रोडक्ट के साथ एक उपहार है। 'आर्ट ऑफ गिविंग' के संस्थापक और मानवता के मसीहा डॉक्टर अच्युत सामंत के जीवन दर्शन को समर्पित इंटरनेशनल आर्ट ऑफ गिविंग दिवस इस साल 17 जून को बिहार के 38 जिलों के 125 से अधिक स्थानों पर मनाया जाएगा, जिसकी जानकारी रविवार को भागलपुर समाहरणालय के समीप एक होटल में बिहार राज्य यूनिट के अध्यक्ष नीलकमल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। नीलकमल राय ने बताया कि यह कार्यक्रम आमतौर पर 17 मई को आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार देश में हो रहे चुनावों के कारण 17 जून को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अच्युत सामंत के प्रेम और भाईचारे के संदेश को फैलाने के लिए 15,000 से 20,000 लोगों के बीच मेडिकल कैंप, लंच, ब्रेकफास्ट, SBS ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में गरीब, लाचार और बीमार लोगों को भोजन, चिकित्सा और अन्य सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अच्युत सामंत के जीवन दर्शन दान की कला को बिहार के लोगों तक पहुंचाने का यह एक प्रयास है। मौके पर आर्ट ऑफ गिविंग के सदस्य समेत कई लोग मौजूद रहे। आज जो कल आर्ट ऑफ गिविंग डे है, जो विश्व स्तर पर अच्युत सामंत सर जो इसके संस्थापक हैं, उनके जीवन का दर्शन है आर्ट ऑफ गिविंग। और ये पिछले 11 वर्ष से समाज के जो निचले पिछले कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके बीच हम लोग जाकर कार्यक्रम करते हैं, उनके लिए खुशियाँ लाने का कार्यक्रम करते हैं। और इस वर्ष का थीम है लेट्स AOG आर्ट ऑफ गिविंग, आए आर्ट ऑफ गिविंग से जुड़े। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग बिहार में, ये हम बिहार आर्ट ऑफ गिविंग के प्रेसिडेंट हैं, साथ में अजय सर हैं जो संरक्षक है, निखिल बाबू है, राजेश जी हैं, मृत्युंजय भैया हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो हम लोग पूरे बिहार में कल 125-30 जगहों पर आर्ट ऑफ गिविंग का कार्यक्रम करके लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जो कमजोर लाचार वर्ग के लोग हैं उनको जो भी हो सकेगा संस्थान की तरफ से हम लोग मदद भी करेंगे। और 38 जिले बिहार में हैं और उसमें से 130 जगहों पर ये कार्यक्रम करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज जो समाज में विषमताएं आई हैं, जो एक दूसरे से दूरी बना के रखे हैं, आर्ट ऑफ गिविंग का यही उद्देश्य है कि हम अगर दूसरों के लिए थोड़ा भी काम करते हैं, चाहे सहयोग आप तन से करें, मन से करें, धन से करें, अगर मन से भी अगर किसी का सहयोग करते हैं तो ये एक तरह का आर्ट ऑफ गिविंग है। भागलपुर बौंसी रेलवे ट्रैक पर गोनू धाम के समीप एक व्यक्ति की हादसे में मौत हो गई। मृतक की पहचान बैजानी निवासी 57 वर्षीय दयानंद शाह के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के पुत्र ने बताया कि शनिवार की दोपहर पिताजी कुछ देर में आने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस घर नहीं लौटे, जिसके बाद उसकी काफ़ी खोजबीन की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। रविवार की सुबह उन्हें ट्रेन की चपेट में आकर एक व्यक्ति के मौत की सूचना मिली, जिसके बाद वह जगदीशपुर थाना पहुंचे, जहां उसने मृतक की पहचान अपने पिता के रूप में की है। फिलहाल पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की पड़ताल में जुट गई। ये रिलेशन में जा रहा था, ठीक है ना, रिश्तेदार के यहाँ। 12 बजे दोपहर को निकला, 12-1 बजे करीब, तो बोला हम आ रहे हैं घूम के, तो ये निकला और 3-4 बजे करीब जो है इसका ये घटना हुआ, ट्रेन से मतलब एक्सीडेंट हो गया। ट्रेन से? हाँ, ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पर हुआ? गोनू धाम के पास। अच्छा, ठीक है ना। तो हम लोग शाम को भी खोजने नहीं पता जब चला तो हम लोग शाम को खोजने निकले, आसपास खोजे, पता नहीं चला। फिर सुबह हम लोग 5 बजे निकले, 5 बजे निकले हम लोग तो पूरा गोनू धाम वगैरह उधर गए, तो उधर पता चला कैसा एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। तब उनको फोटो दिखाया तो पता चला कि हमारा ये पिताजी है, और उसको जो थाना लेके गई है जगदीशपुर थाना, फिर वहाँ गए तो फिर मेरा वहाँ बॉडी मिल गया, फिर उन्होंने केस वगैरह में बुलाया और यहाँ रेफर किया। क्या नाम है इनका मृतक? दयानंद शाह नाम। उम्र क्या होगा? 57 साल। कहाँ निकले थे घर से? ये घर से बोले हम आ रहे हैं,
मतलब बोल के निकले के आ रहे हैं इसी दौरान ये हाँ थोड़ा माइंड इनका जो था कमजोर था।